हे गाइस, वेलकम टू अन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? सभी को नमस्कार। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि मिक्सर और एलिगेशन इन दोनों टॉपिक से लिंक करते होंगे। एलिगेशन जो है सिर्फ मिक्सचर्स में नहीं लगता, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है आपने। एलिगेशन अलग अलग टाइप्स में लगता है और वहाँ पर अगर आपको सही से लगाना आ जाए तो आपके लिए काफ़ी सवाल बहुत ही ज़्यादा कम समय में आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही इफेक्टिवली आप उनको सॉल्व कर सकते हो और टाइम बहुत कम लगता है आपको उनमें। तो आज यही चीज़ें सीखेंगे, कुछ सवाल इस ड्यूरेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहले फटाफट से सभी जल्दी से आ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो कि आपको आवाज़ सही से आ रही है, सही से विजिबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, एक बार कन्फर्मेशन दे दीजिए। गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या स्कोर आ रहा है आपका, ज़रा एक बार बताइए। आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें क्या स्कोर आ रहा है आपका, कंफर्म करें एक बार कमेंट सेक्शन में कि जो आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं स्कोर कहाँ तक पहुँच रहा है आपका। SBI क्लर्क एंड RBI असिस्टेंट में जो आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका स्कोर कितना आ रहा है और किस मॉक टेस्ट में आ रहा है वो भी बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अब काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए हैं, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल आपके सामने है, सॉल्व कीजिए। फटाफट से सॉल्व करेंगे सभी के सभी, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में। बहुत आसान सवाल से शुरुआत कर रहा हूं मैं ताकि सभी के सभी स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकें, कोई दिक्कत ना आए। बहुत ही बेसिक सा एलिगेशन का सवाल है, फटाफट से कर दीजिए सॉल्व, देरी नहीं करनी, फटाफट से जल्दी से। रॉबर्ट बॉट अ टूथब्रश एंड अ सॉप फॉर ₹15। ही सोल्ड द टूथब्रश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड द सॉप एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। If his total profit was 24%, find the cost price of the toothbrush। बड़ा ही आसान सवाल है सर, बड़ा ही आसान सवाल है। जानबूझ के दिया गया ताकि शुरुआत में आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील हो। फटाफट से जल्दी से सॉल्व करें और मुझे बताएं कि क्या आंसर होगा। सर यहां पर हमें दिया गया कि रॉबर्ट ने यहां पर जो खरीदारी की है दो चीजों की है। इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए तो यहां पर जो खरीदा गया दो चीजें खरीदी गई है ना, टूथब्रश खरीदा गया और सॉप खरीदा गया, तो इन दोनों की हमने बात करनी है, टूथब्रश एंड सॉप। टूथब्रश में कितना प्रॉफिट हुआ है सर उसको? टूथब्रश में 20% का प्रॉफिट हुआ है सर, हमें पता है 20% का प्रॉफिट हुआ सर। हम यहाँ पर क्लियरली ये बात बोल सकते हैं कि इधर जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% का हुआ। प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन लगा देंगे, लॉस होता है तो माइनस साइन लगाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे आगे, इस पर्टिकुलर केस में देखा जाए सॉप में कितना प्रॉफिट हुआ है सर? 30% का। अगेन प्रॉफिट हुआ है तो प्लस साइन के साथ ही चलेंगे हम, 30% का प्रॉफिट हुआ है। साइन मायने रखता है सर, नेगेटिव या पॉजिटिव जो लगा रहे हो आप यहाँ पर। उसके बाद आगे आपको पता है कि यहाँ पर जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो 24% का प्रॉफिट हुआ है। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ पर, प्रॉफिट हुआ जो रॉबर्ट को, 24% का प्रॉफिट हुआ। तो सर अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगा देंगे तो हमें किसका रेशो मिलेगा? हमें रेशो मिलेगा इनके जो कि प्रॉफिट पर बेस्ड। हमने एलिगेशन किस पर लगाई है? हमने एलिगेशन लगाई है प्रॉफिट परसेंटेज पर। और प्रॉफिट परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है? CP के रिस्पेक्ट में। तो हमको कॉस्ट प्राइसेस की रेशो मिल जाएगी। तो यहां पर हमने एलिगेशन लगाया सर, एलिगेशन लगाया हमने 6% यहां से आ गया, यहां एलिगेशन लगाया सब्ट्रैक्ट किया सर 4% यहां से आ गया, कैंसिल किया इसको 3:2 आ गया सर हमारे पास। तो ये 3:2 क्या है, किसकी रेशियो आई है? CP की, कॉस्ट प्राइस की रेशियो आई है। पर टोटल कॉस्ट प्राइस है कितना? टोटल कॉस्ट प्राइस है ₹15। तो ₹15 को अगर आप ब्रेक करते हो 3:2 में, अगर मैं ₹15 मेरे पास है और मैं इसको अगर 3:2 में ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर? 5 से डिवाइड कर दिया इसको
एक यूनिट की वैल्यू 3 आ गई तो 9 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे और 4 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे, 6 रुपये यहाँ पर आ जाएंगे सर। तो 9 रुपये और 6 रुपये, ये किसका प्राइस आ गया सर? ये आ गया टूथब्रश का। और ये 6 रुपये किसका आया सर? यह आया शॉप का। सर एंड मैम सभी को क्लियर है या नहीं एक बार बता दें। हमसे टूथब्रश के बारे में पूछा गया तो यहाँ पर हमने सीधा 9 रुपीज़ मार्क कर दिया सर। फटाफट से इस चीज़ को हम बता सकते थे, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे। एक बार जितने भी स्टूडेंट्स सेशन को देख रहे हैं एक बार कंफर्मेशन दे दो कि आपको समझ आया या नहीं, फिर अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बेसिकली क्या किया इस पूरे के पूरे सवाल में? सर हमने कुछ नहीं किया, हमने बहुत ही आसान तरीके से चले हैं हम इसके अंदर। अगर आप इसके अंदर देखेंगे प्रॉपर तरीके से तो यहां पर हमने जो सॉल्व किया, पहले 20% प्रॉफिट देखा कि यहां पर जो प्रॉफिट हो रहा है 20% हो रहा है, यहां पर टूथब्रश के केस में 30% प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर 20% प्रॉफिट देखा टूथब्रश के केस में, एंड देन सॉप के केस में देखा 30% प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट देखा 24% हो रहा है। हमने एलिगेशन लगाया सर 6% आ गया, यहां पर एलिगेशन लगाया सर यहां 4% आ गया, रेशियो देखी 3:2 आ गई सर, 3:2 की रेशियो आ गई। 3:2 किसकी आएगी सर? क्योंकि हमने एलिगेशन प्रॉफिट परसेंटेज पर लगाया है। प्रॉफिट परसेंटेज पर जब एलिगेशन लगाया जाता है तो रेशियो सीपी की आती है, कॉस्ट प्राइस की आती है, क्रय मूल्य की आती है। तो अगर मेरे पास क्रय मूल्य की कॉस्ट प्राइस की रेशियो आ चुकी है सर, तो कॉस्ट प्राइस तो टोटल मेरे पास है ना 15 रुपए है, 15 रुपए अगर कॉस्ट प्राइस 3:2 में ब्रेक करूंगा सर, 9 and 6 आ जाएगा, 9 रुपए टूथपेस्ट का, टूथब्रश का, एंड 6 रुपए सॉप का आ गया। हमसे टूथब्रश का पूछा था, 6 रुपए हमारा, 9 रुपए हमारा आंसर हो गया सर। अगला सवाल आपके सामने है सर, जल्दी से फटाफट से सॉल्व कीजिए सर। जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं फटाफट से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। टैंक इज फुल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कोकोनट ऑयल एंड ऑलिव ऑयल इन विच 18% कोकोनट ऑयल इज देयर, 8 liters आर ड्रॉन ऑफ एंड देन द टैंक इज फिल्ड विद ऑलिव ऑयल, इफ द कोकोनट ऑयल इज नाउ 15% हाउ मच डज द टैंक होल्ड। देखिए सर समझिए ध्यान से, हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी एक मिक्सचर है सर और उसके अंदर 18% कोकोनट ऑयल है। हमें पता है कि ये जो मिक्सचर है इसके अंदर कितना कोकोनट ऑयल है? 18%। ठीक है, 18% कोकोनट ऑयल हम मानते हैं इस बात को। उसके बाद क्या किया हमने? हमने कुछ मिक्सचर निकाल लिया, कह रहे कि यहाँ पर 8 liters मिक्सचर निकाल लिया। अच्छा, 8 liter मिक्सचर निकाल लिया जाएगा तब भी कोकोनट ऑयल की परसेंटेज बदलेगी क्या? कोकोनट ऑयल की परसेंटेज तो तब भी 18 ही रहेगी, कोकोनट ऑयल तो तब भी 18% ही रहेगा ना अगर आप मिक्सचर निकाल भी लोगे। आपने क्या किया, कुछ मिक्सचर निकाल लिया, यहाँ पर कितना निकाल लिया सर? 8 liters निकाल लिए, 8 liters निकाल लिए, तब भी रेशियो जो रहेगी वो तो वहां पर वही रहेगी ना, परसेंटेज तो वही रहेगा ना, 18% ही कोकोनट ऑयल रहेगा। अब 18% कोकोनट ऑयल है सर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके बाद क्या किया सर, हमने उसको टैंक को फिल कर दिया ऑलिव ऑयल के साथ। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास प्योर ऑलिव ऑयल है, बिल्कुल प्योर ऑलिव ऑयल है, बिल्कुल प्योर ऑलिव ऑयल है, आपके पास एक कोई भी कंटेनर है उसके अंदर प्योर ऑलिव ऑयल है, उसके अंदर अगर मैं पूछूं कि कितना प्रतिशत कोकोनट ऑयल है, तो आप क्या कहोगे सर? ऑलिव ऑयल के अंदर कितना प्रतिशत कोकोनट ऑयल है? 0%। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं सर? यहां पर हम कोकोनट ऑयल की बात कर रहे हैं। तो कोकोनट ऑयल है हमारे पास, अगर इसके अंदर मैं यहां पर प्योर ऑलिव ऑयल डाल रहा हूं तो उसके अंदर कोकोनट ऑयल की कितनी परसेंटेज हुई? 0%। ठीक है सर, इसकी वजह से जो कोकोनट ऑयल हो गया अब 15% हो गया, इसकी वजह से जो कोकोनट ऑयल हो गया यहां पर वो 15% हो गया सर। लगा दो सर एलिगेशन, क्या प्रॉब्लम है? एलिगेशन लगाया सर यहां 3% आ गया, यहां एलिगेशन लगाया सर यहां 15% आ गया, रेशो क्या आ गई सर? 5:1 की रेशो आ गई।
मतलब हमारे पास कुल मिलाकर पहले कितना था और अब उसमें कितना डाल दिया, रिप्लेस किया है हमने, रिप्लेस किया है, 1 यूनिट की रिप्लेसमेंट किया ना हमने उसमें, 1 यूनिट मतलब 8 लीटर दिया हुआ है सर, 8 लीटर की रिप्लेसमेंट हुई है, ये दिया हुआ 8 लीटर की रिप्लेसमेंट हुई है। तो 1 यूनिट अगर 8 लीटर के बराबर है तो 5 यूनिट यहाँ पर कितना होगा सर, 40 लीटर के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, पहले हमारे पास कितना था, हमारे पास पहले था 48 लीटर्स, उसके अंदर से हमने 8 लीटर मिक्सचर निकाला तो हमारे पास 40 लीटर रह गया, फिर हमने उसके अंदर 8 लीटर क्या डाल दिया, हमने उसके अंदर 8 लीटर ऑलिव ऑयल डाल दिया। तो पहले कितना था यही पूछा गया कि टैंक में कितना आता है, टैंक में 48 लीटर आता है, 48 लीटर आता है। क्या सभी समझे सर, एक बार बता दीजिए सभी को समझ में आ गया या नहीं, एक बार बताओ फटाफट से बताओ। जितने भी स्टूडेंट सेशन देख रहे हैं एक साथ कमेंट कीजिए, सभी एक साथ कमेंट कीजिए सर समझ में आ गया आपको या नहीं, एक बार बता तो दो। जिसको नहीं समझ में आया एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, पूरा प्रॉपर तरीके से समझो फोकस के साथ। सर हमारे पास ऑलरेडी क्या था, एक मिक्सचर था जिसमें कुछ कोकोनट ऑयल था और कुछ वहां पर जो ऑलिव ऑयल था वो दिया गया था, कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल का मिक्सचर था। कोकोनट ऑयल कितना था इसके अंदर, 18% था सर, 18% था कोकोनट ऑयल, 18% कोकोनट ऑयल था हमें पता है, 18% अगर कोकोनट ऑयल था उसके अंदर से हमने कुछ मिक्सचर निकाल लिया, कुछ मिक्सचर निकाल लिया तो कोकोनट ऑयल का परसेंटेज तो नहीं बदलेगा ना, वो तो वही का वही रहेगा। उसके बाद हमने क्या किया, उसके अंदर ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया, ऑलिव ऑयल में कोकोनट ऑयल कितना होगा, ऑब्वियसली शून्य, 0% होगा, 0% होगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कितना फाइनल नंबर क्या आ गया, कोकोनट ऑयल कितना हो गया फाइनली, इतना हो गया सर, ये आप देख पा रहे हो 15% हो गया। तो अगर 15% हो गया मुझे पता है यहां पर, तो मैं एलिगेशन लगा सकता हूं सर, यहां पर एलिगेशन लगाया, यहां पर आ गया सर 3%, यहां एलिगेशन लगाया, सब ट्रैक किया सर, यहां पर आ गया 15%। रेशियो क्या आ गई सर दोनों की आपस में, 5:1। हमको ये तो पता है ना सर कि ये रिप्लेसमेंट कितने से हुई है, 8 लीटर निकाला गया था और फिर हमने कंटेनर को भर दिया, मतलब 8 लीटर ही डाला है ना दोबारा, भी जो हमने ऑलिव ऑयल डाला है, तो ये 8 लीटर के बराबर है सर। ये 1 यूनिट अगर 8 लीटर के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गई सर, 5 यूनिट यहाँ पर 40 लीटर के बराबर। ठीक है सर, पहले हमने 8 लीटर निकाला था, पहले हमने 8 लीटर मिक्सचर निकाला था तो 40 लीटर हो गया था, फिर हमने वापस उसके अंदर कंटेनर को भर दिया 8 लीटर से, ठीक है 48 लीटर वापस हो गया, तो पहले भी 48 लीटर था, फिर भी बाद में भी 48 लीटर हो गया, टैंक होल्ड कितना करता है, 48 लीटर करता है, 48 लीटर आंसर आ गया सर। यही सेम चीज हम किसके साथ कर सकते थे, यही सेम चीज हम कर सकते थे यहां पर कंसिडर करके ऑलिव ऑयल को, ऑलिव ऑयल को अगर यहां पर 18% कोकोनट ऑयल है तो ऑलिव ऑयल कितना हो गया सर, कमेंट सेक्शन में बताओ फटाफट से, 82% ऑलिव ऑयल हो गया। तो अगर 18% इस मिक्सचर के अंदर कोकोनट ऑयल है तो 82% ऑलिव ऑयल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, प्योर ऑलिव ऑयल डाल दिया। अगर प्योर आपके पास एक कंटेनर है प्योर ऑलिव ऑयल का, मान लो इसके अंदर प्योर ऑलिव ऑयल आपके पास है, तो ये इसमें कितना परसेंट ऑलिव ऑयल है, ऑब्वियसली 100% ऑलिव ऑयल हुआ ना इसके अंदर, तो मैंने क्या डाल दिया इसके अंदर, 100% ऑलिव ऑयल डाल दिया। और उसके बाद इस कंटेनर में कोकोनट ऑयल रह गया 15%, कोकोनट अगर 15 रह गया तो ऑलिव कितना बचा बाकी, 85, 85। सर दोबारा से एलिगेशन लगाओगे आएगा सेम ही सर, सबट्रैक किया 15%, सबट्रैक किया 3%, कैसे मर्जी पकड़ लो सर बनेगी वही बात, वही 5:1 आया, वही रेशो आई, आप वैसे ही आगे बढ़ना है इसके अंदर, सॉल्व कर पाएंगे हम सर। समझे या नहीं समझे सर, एक बार बता तो दो सभी के सभी। अगला सवाल आपके सामने और बड़ा ही प्यारा सवाल है ये, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाएंगे। फटाफट से जल्दी से,
बड़ा ही प्यारा सवाल है और काफ़ी स्टूडेंट्स का नहीं भी हुआ होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। जिस जिसने कर लिया एक बार बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सर एक पिगी बैंक है हमारे पास, उसके अंदर टोटल कॉइन्स जो हैं 105 कॉइन्स हैं, 1 रुपी, 50 पैसा एंड 25 पैसा। ये तीन तरह के पाँच कॉइन्स हैं हमारे पास, सॉरी 105 कॉइन्स हैं, 105 कॉइन्स हैं हमारे पास। और टोटल कॉइन्स की अगर मैं वैल्यू निकालूँ यहाँ पर कि वैल्यू कितनी है टोटल कॉइन्स की, 50 रुपये 50 पैसे है। पिगी बैंक में बताना है आपने कि कितने 1 रुपये के सिक्के हैं अगर आपको उसमें दिया गया है कि 25 पैसा वाले सिक्के यहाँ पर 133% ज़्यादा हैं 1 रुपये वाले कॉइन से। ये हमें दिया गया सर, ये हमें प्रोवाइड किया गया, तो हमने बताने हैं यहाँ पर 1 रुपये वाले कॉइन कितने हैं। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर कि 1 रुपये वाले कॉइन को मैं ओ लिखूंगा। 1 रुपये वाले जो कॉइन्स होंगे मैं उनको यहाँ पर, रुकिएगा, ओ लिखने वाला हूँ, और 50 पैसा वाले कॉइन को एफ लिख दूंगा और 25 वाले को टी लिख दूंगा। तो ये तीन तरह के कॉइन्स हैं सर, और तीनों कॉइन्स अगर मैं देखूंगा मिलाकर कितने हैं टोटल, टोटल हैं 105। 105 है सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पर अगर आप देखेंगे। साथ ही अगर मैं वैल्यू को कंसिडर करूँ, 1 रुपये वाले जो ओ कॉइन्स हैं इनकी वैल्यू तो 1 रुपये होती है ना। अगर रुपीज़ में वैल्यू पूछूँ तो 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मान लो आपके पास 1-1 रुपए के ओ सिक्के हैं, मान लो 1-1 रुपए के 10 सिक्के हैं आपके पास, तो आपके पास 10 रुपए हो गए। वैसे ही अगर 1-1 रुपए के ओ सिक्के हैं आपके पास तो ओ रुपीज हो गए आपके पास। अगर 50 पैसा वाले, मतलब आधा रुपए, 50 पैसा का क्या मतलब होता है, 50 पैसा बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ये सवाल ध्यान से देखना। 50 पैसा का मतलब होता है हाफ रुपी, 25 पैसा का मतलब होता है 1/4 रुपी, होता है ना, ये तो सबको पता है सर, पैसे वैसे तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, सही बात है ना। तो यहां पर 50 पैसा मतलब हाफ रुपी, 25 पैसा मतलब 1/4 रुपी। तो अगर मेरे पास 50 पैसा वाले एफ सिक्के हैं तो मेरे पास रुपए कितने हो गए, f/2 हो गए, f(1/2)। अगर 25 पैसा यानी कि 1/4 रुपी वाले टी सिक्के हैं मेरे पास तो कितने रुपए हो गए मेरे पास, t/4 रुपीज हो गए। ठीक है सर, और टोटल पैसा कितना है मेरे पास, 50.50। यही है सर, इन दोनों इक्वेशन में से सॉल्व करना है हमने, कुछ सॉल्व करना है इसके अंदर, किस हिसाब से करना है पहले तो ये देखो, किस हिसाब से हमने सॉल्व करना है इसके अंदर। इसको देखो सर, हमें कुछ और भी चीज़ पता है इसके अंदर, और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता है कि यहाँ पर 133.33% का जिक्र है। 133.33% का मतलब क्या होता है, 100% प्लस 33.33%। 100% को मैं 1 लिख सकता हूँ और 33.33% को मैं 1/3 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिखा जा सकता है ना ये, अगर लिखा जा सकता है ये तो ये कितना हो गया, 4/3 हो गया। 133.33% कितना होता है, 4/3 होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है हमें, यहां पर हमें क्या कहा जा रहा है कि जो 25 पैसा वाले कॉइन्स हैं और जो 1 रुपी वाले कॉइन्स हैं उनमें रिलेशन है। कह रहे हैं 25 पैसा वाले कॉइन्स 133.33% ज्यादा हैं, 1 रुपी वाले कॉइन से। मतलब यहां पर अगर मैं मान लूं, क्योंकि हमारे हमें पता है इस पर्टिकुलर केस में कि जो 133.33% है वो 4/3 होता है, 4/3 होता है। तो अगर मैं यहां पर एज्यूम कर लूं इस पर्टिकुलर केस में कि मेरे पास 1 रुपी वाले कॉइन 3 है, 1 रुपी वाले कॉइन मेरे पास 3 है, तो 3 का 133.33% कितना हो गया, 4 हो गया। तो इससे 4 ज्यादा यहां पर 25 पैसा वाले कॉइन्स है, मतलब यहां पर 7 हो गया। तो ये मैं बता सकता हूं सर कि इनकी आपस में रेशियो जो है ना वो 7:3 है, इनकी आपस में जो रेशियो है वो 7:3 है। ये चीज़ बिना पेन चलाए आपने चेक करनी थी, आपको मैंने प्रॉपर लिख कर बता दिया सर, प्रॉपर लिख कर बता दिया। क्या दिया गया था हमें इस पर्टिकुलर केस में, हमें दिया गया था कि जो 25 पैसा वाले कॉइन है वो 133.33% यानी कि 1/3 ज़्यादा है किससे, 1 रुपी वाले से। तो मैंने 3 यूनिट मान लिया उसको, 3 का 1/4 कितना होता है, 4, तो 3 में 4 ज़्यादा यानी कि 7, तो 7:3 आ गए सर। अब मतलब मेरे पास 25 और 1 रुपी की रेशियो है, तो यहां से क्यों ना मैं 25 और 1 रुपी में, मतलब टी और ओ में क्यों ना एक इक्वेशन बना लूं ताकि मैं उसको यहां पर पुट करके चेक कर सकूं। तो ठीक है, मैं एफ को एलिमिनेट कर देता हूं, एफ को एलिमिनेट कर देते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ को एलिमिनेट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, पूरी की पूरी इक्वेशन को, ध्यान से सुनना, ये यहां 2 था, यहां 4 था, पूरी की पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये सर 4 आ गया। यहां 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा सर, ये बहुत आराम से बता रहा हूँ पर हो बहुत जल्दी सकता है ये। तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो गया सर,
और यहां पर करूंगा तो ऊपर टू आ जाएगा सर, ऊपर टू आ गया। और इसका अगर मैं फोर टाइम्स करूंगा 50.5 का तो 202 आ जाएगा। 50.5 का अगर मैंने चार गुना कर दिया तो 202 आ गया सर। अब यहाँ 2f है तो यहाँ पर भी 2f होना चाहिए ना, यहाँ 2f है तो यहाँ पर भी 2f होना चाहिए। तो आप मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर इसको, 2 से इसको कर दिया, 2 से इसको कर दिया, 2 से इसको कर दिया और 2 से इसको कर दिया तो 210 आ गया। हमारे पास अब ये बड़ी सिंपल सी चीज़ आपके सामने है सर। सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप तो यहाँ पर ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने तो ये 2f से 2f कैंसिल, 210 में से 208 यहाँ पर गए तो 8 आ गया सर। और यहाँ देखोगे तो 2t माइनस टी आ गया t, और ये 2o माइनस 4o आ गया यहाँ पे माइनस 2o, तो ये आपके सामने आ गया सर। ये इक्वेशन सी बन गई आपके सामने, सिंपली इक्वेशन कर दी, बना दी हमने सॉल्व करके। अब यहाँ पर अगर मैं टी की जगह 7 रख दूँ, 7 यूनिट्स रख दूँ और O की जगह 3 यूनिट्स रख दूं तो 6 यूनिट्स आ गया। 7 यूनिट्स माइनस 6 यूनिट्स यहां पर 8 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। हमने बताने क्या है, 1 रुपी वाले कॉइन्स, 1 रुपी वाले कॉइन्स बताने हैं हमने यहां पर, कैलकुलेट द 1 रुपी कॉइन्स। तो 3 यूनिट है 1 रुपी वाले कॉइन और 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 3 इंटू 8 यानी कि 24 सिक्के हैं। हमें पता लग गया सर 24 सिक्के हैं यहाँ पर। एक बार बता दो सभी को समझ में आया या नहीं। जो कह रहे हैं सर 4/3 आएगा ये वो, भाई मोर भी पढ़ लो, इसको पढ़ लो भाई, मोर भी लिखा हुआ है। सिर्फ 133.33% नहीं लिखा हुआ, मोर भी लिखा हुआ है, इसको कौन पढ़ेगा। यही तो गलती करते हो आप, छोटी छोटी गलतियां। अगर वो लिखता कि 133.33% है, अगर ये लाइन ऐसे होती कि 25 पैसा वाले कॉइन 1 रुपी वाले कॉइन के 133.33% अगर ऐसे लिखते तो मैं 4/3 लिखता। उसने बोला है 133.33% ज्यादा है, मतलब आपने इसको इसका 233.33% बनाना है, तब जाकर रेशो मिलेगी आपको इधर इस पर्टिकुलर केस में। तो 133.33% की रेशो होती है 4/3, तो अगर बेस वहां पर 3 है तो 3 को 4 बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको 7 मिलेगा, 7:3 रेशो मिलेगी सर। यही चीज तो समझने वाली थी, यही तो गड़बड़ करते हो आप सारी की सारी। पूरे सवाल को समझाने में समय लगा, बाकी चुटकियों का खेल था, पर पकड़ने में दिक्कत आती है कई स्टूडेंट को। अब बताओ सर कोई स्पेसिफिक डाउट है तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इमोन सरकार कह रहे हैं कि सर बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो गया, इसको जल्दी कैसे करें। भाई जल्दी कैसे करें, जल्दी इसमें कुछ था ही नहीं करने वाला, आपको बताने के लिए टाइम लगा है, ये तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर करने वाला। 133.33% जैसे ही पता लगा दिमाग में 4/3 आया, तो रेशो तो सीधा 7/3 होगी ना दिमाग में, कि 3 में 4 ज्यादा 7/3 आ गई टी और ओ की रेशो। उसके बाद हमें पता है कि तीनों का जो यहां पर सम है, हमें पता है कि वो कितना है, 51 और 25 का वो 105 है। और इस पर्टिकुलर केस में अगर आगे देखेंगे तो ये ओ, ये एफ बाय टू, ये एफ बाय टू और ये टी बाय फोर, क्योंकि इनकी वैल्यू है और 50.5 है, तो यहां पर सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। इसका सीधा डबल करके भी काट सकते थे आपको, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो डबल करके भी कैंसिल कर सकते थे, सीधा डबल कर देते तो ये टी बाय टू रह जाता, टी बाय टू रह जाता, तो यहाँ टी माइनस टी बाय टू और यहां पर आप डबल करते इसका तो 101, तो 4 आ जाती यहाँ वैल्यू, और यहां सब्ट्रैक्ट करते तो टी माइनस टी बाई टू, टी बाई टू आ जाता, यहां पर आ जाता माइनस ओ, तो यहां पुट कर देते तब भी बात बन जाती सर, कि टी बाई टू 7/3 माइनस 3 कर देते 3.5, 0.5 की वैल्यू 4, 1 की वैल्यू 8 आ जाती, 1 की वैल्यू 8 आ जाती, 3 यूनिट की वैल्यू 24 आ जाती। सर वो तो आपको समझाने में समय लगता है, कर तो उसको बहुत जल्दी सकते हैं, आप ये मत सोचो कि ये लंबा सॉल्यूशन होता है, कर तो बहुत जल्दी सकते हैं। आपको समझाने के लिए धीरे धीरे बोलता हूं मैं, जज मत किया करो कि सर बहुत लंबा सॉल्यूशन हो गया यहां पर, ये जज नहीं करते होते। अगर मैं वैसे करने लगूं जल्दी वाला, जल्दी जल्दी करने लगूं तो समझ नहीं आएगा। तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं सर, ये आपका अगला सवाल है, टाइमर आपके सामने, 1 मिनट दूंगा आप सभी को सॉल्व करने के लिए।
Two water bottles contain a mixture of hydrochloric acid and water. In the first bottle, the ratio of hydrochloric acid to the water is 16:6, and the second water bottle, the ratio is 25:5. A 35-liter vessel is filled from these water bottles so as to contain a mixture of HCl and water in 4:1. How many liters are taken from the first bottle? बताइए सर, जल्दी से बताइए. कर लिया ना आप सभी ने? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, समझेंगे ध्यान से सर, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? टू वाटर बॉटल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड फर्स्ट बॉटल के बारे में बताया जा रहा है, सेकंड बॉटल के बारे में बताया जा रहा है. सर फर्स्ट बॉटल हमारे सामने है, सेकंड बॉटल जो है, इन दोनों बॉटल्स की बात हो रही है. फर्स्ट बॉटल में जो रेशियो है वो 16:6 है. सर ये तो कैंसिल हो रहा है ना अभी दो से, तो 8:3 लिख सकता हूँ ना इसको, तो मैं लिख सकता हूँ ना. सेकेंड वाटर बॉटल जो है उसमें रेशियो है 25:5, ये भी तो 5 से कैंसिल हो रहा है अभी, तो इसको भी 5:1 लिख सकता हूँ मैं. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, ठीक है. उसके बाद कह रहे हैं कि हमने 35 लीटर की वेसल की बोतल को फिल कर लिया दोनों का इस्तेमाल करते हुए, जो फाइनल रेशियो आई वो 4:1 आई सर, 4:1 आई, फाइनल वाली जो वैल्यू आई 4:1 आई, ठीक है. ये हमें पता, एलिगेशन लगा देते हैं सर इसके अंदर, क्या प्रॉब्लम है, बहुत आसान है सर ये तो. 8:3, अगर मैं सर पूछूं HCl कितना है इसके अंदर, या HCl भी रहने दो, हम आसान वाली तरफ, छोटे नंबर की तरफ भी जाएं, तो यहाँ पर हमें पता है कि अगर इस पर्टिकुलर केस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर की बात की जा रही है, तो वाटर देखूं तो कितना है, 3/8+3 यानी कि 3/11 है, 3/11. उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए, यहां पर अगर वाटर पूछा जाए तो कितना है, 1/5+1 यानी कि 1/6. वाटर यहां पर कितना है, 1/6 है. यहां पर अगर देखा जाए तो 1/4+1 यानी कि 1/5 है. अब चाहो तो सीधा एलिगेशन लगा सकते हो यहां पर एक अच्छा तरीका होता है कि आप जो डिनोमिनेटर है उसको एलिमिनेट कर दो, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि प्रॉब्लम आती है. क्या कर सकते हैं कि सारे डिनोमिनेटर को आप ये बना दो, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब तीनों का कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, तो इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही होगा 11:5:6. तो सबके डिनोमिनेटर में 11:5:6 कर दो. यहाँ 11 है तो यहाँ 5:6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 और 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा सर, रेशियो थोड़ी ना बदल देंगे. यहाँ पर क्या है, 11:5:6 करना है, ऑलरेडी 6 तो है ही, तो 11:5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर भी करना पड़ेगा सर 11:5 से, सिर्फ नीचे थोड़ी ना करेंगे. यहां पर 5 है तो 11:6 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, ऊपर भी तो करना पड़ेगा, सिर्फ नीचे थोड़ी ना करेंगे. तो जो नीचे सेम हो गया ना, अब नीचे सेम हो गया तो नीचे से हटा दो, डिनोमिनेटर्स हटा दो सारे के सारे, सेम होते ही डिनोमिनेटर्स हटा दो. इससे क्या होता है, हमारा टाइम काफी सेव हो जाता है. अब यहां पर अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से सर, ये हमारे सामने है, ये कितना हो गया सर, 90 हो गया. ये इस पर्टिकुलर केस में जो ये दिया गया है, ये हो गया 90, ये कितना हो गया, 55 हो गया. ये कितना हो गया, 66 हो गया. अब देखो कितना आसानी से एलिगेशन लग रहा है. देखो यहां पे सबट्रैक्ट किया 24 आ रहा है, यहां सबट्रैक्ट किया 11 आ रहा है, रेशियो क्या आ गई, 11:24 आ गई. 11:24 की रेशियो अगर 35 लीटर टोटल है, 35 लीटर को अगर मैं ब्रेक करूंगा यहां पर, 35 लीटर को अगर मैं ब्रेक करूंगा इसमें, तो हमें 11 लीटर्स और 24 लीटर्स मिल जाएगा. तो हमने पहले वेसल से कितना लिया, 11 लीटर लिए. ये जो डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने का प्रोसेस होता है ना, वो सिर्फ इसीलिए होता है ताकि आप बहुत आसानी से इक्वेशंस को सॉल्व कर सको, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर रह जाते हैं ना तो फिर एलसीएम लेने की दिक्कत आती है, पूरा सॉल्व करने की दिक्कत आती है. डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए तो बहुत आसानी से हो सकता है. एक बार क्विक दोबारा देखेंगे, पहले में क्या था यहां पर, अब पहले हमने क्या वाटर लेके किया, अब एक बार HCl लेके कर लेते हैं. यहां 8:3 की रेशियो थी तो कितना आ जाता, 8/11 आ जाता. यहां रेशियो 5:1 थी तो यहां कितना आ जाता, 5/6 आ जाता. यहां रेशियो 4:1 थी तो यहां पर 4/5 आ जाता. तो ऐसे अगर आप सॉल्व करना चाहो, सबट्रैक्ट करना चाहो, एलसीएम लेकर पूरा सॉल्व करना चाहो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपकी मर्जी है सर वो तो. पर अगर यहां पर आप डिनोमिनेटर एलिमिनेट ही कर दो, 11:5:6 है तो इसको 11:5:6 बना दिया,
इसको भी 11.56 बना दिया। जिस चीज़ की कमी है पूरी कर दो, ठीक है, सब 11.56 बन गए। अब यहाँ 5 और 6 30 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 30 से करना पड़ेगा सर, यहाँ 55 से मल्टीप्लाई किया तो सर यहाँ भी 55 से करना पड़ेगा, यहाँ पर 66 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा सर, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रेशियो चेंज हो जाएगी। तो ऐसा करते ही फटाफट से हटा दो बाकी सब, हटा दिया सर। तो अब ये देखोगे सर ये 240 आ गया, 240 आ गया सर ये यहाँ पर, ये देखो कि सर क्या है ये एक्चुअल में 5 × 5 × 11 है, मतलब 25 का 11 गुना, 25 का 11 गुना कितना होता है 275 होता है, 275। ये क्या है सर, ये 24 का 11 गुना, 6 × 4 = 24, 24 का 11 टाइम्स, समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, 24 का 11 टाइम सर, 11 टाइम्स करना आता है ना, 24 का आप 11 टाइम्स करोगे कैसे करते हो, 2 लिखा 4 लिखा और 2 प्लस 4 कर दिया सर, यहाँ पर 264 आ गया, ये 264 आ गया सर। सबट्रैक करोगे, जब आप सबट्रैक करोगे सेम वही रेशो आने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। 11:24 दिखाई दे रही है मुझे, आपको भी दिखाई देनी चाहिए सर। यहाँ पर सबट्रैक किया सर, यहाँ 11 आ गया, सबट्रैक किया सर यहाँ 24 आ गया, 11:24 की रेशियो आ गई। 35 लीटर टोटल कैपेसिटी है सर, 35 लीटर को अगर आप ब्रेक करोगे तो 11 लीटर और 24 लीटर्स आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए सभी की सभी कमेंट सेक्शन में, फिर अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। 3/11 और 1/6 कैसे बनाया अविनाश कह रहे हैं, अविनाश वाटर ले लिया ना मैंने, वाटर कितना, वाटर का फ्रैक्शन कितना है उसके अंदर, वही देखा है मैंने, और तो कुछ किया ही नहीं, और तो सर कुछ किया ही नहीं मैंने उसमें। जिसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है ये टॉपिक, या जिसके दिमाग में अभी बैठ नहीं रही ये चीजें, देखो आपका टॉपिक वीक है और ये एक्चुअल में सोचने की जरूरत है फिर तो सर, कि जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत है, उसको ठीक करो सर, क्योंकि ऐसे तो आगे सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको बिल्कुल बेसिक इतनी आसान तरीके से भी समझ नहीं आ रहा तो मतलब आपका बिल्कुल बेसिक वीक है, तो आप सभी को थोड़ा कंसिडर करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे, कहीं से पढ़िए आपकी मर्जी है, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, चाहे कहीं से भी, यूट्यूब पर अभी इनफ मटेरियल अवेलेबल नहीं है कि आप अच्छे से तैयारी कर सको, तो चाहे अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट जाइए, चाहे कहीं से भी, प्लीज़ कंप्लीट सिलेबस पूरा करें, क्योंकि आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, आपको डिटेल में आना चाहिए, आगे आपने मेंस भी देना है, सिर्फ प्रॉब्लम से बात नहीं बनेगी। हर्षा इसी वीक हो रही है बस ये क्लासेस, उसके बाद मे भी ना हो क्योंकि शेड्यूल उसके बाद टाइट हो जाएगा। देखो सैंडी ने डिसाइड किया कि वो 200 किलोमीटर जाएगी 16 घंटों में, 200 किलोमीटर जाएगी 16 घंटों में, सैंडी ने डिसाइड किया। उसने कहा कुछ अपना जो डिस्टेंस है मैं कार से ट्रैवल करूंगी और कुछ यहाँ ट्रक से ट्रैवल करूंगी, कुछ कार से और कुछ ट्रक से ट्रैवल किया जाएगा, ये हमें पता सर। उसके बाद क्या कहा जा रहा है सर, उसके बाद हमें प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो स्पीड्स हैं कुछ इस तरह से हैं, कार की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आ रहा है और जो ट्रक है उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है, ये हमें पता। देन उसके बाद कहा जा रहा है कि बताओ सर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने कार से। सर हम क्या एवरेज स्पीड बता सकते हैं क्या, इसके अंदर कितनी होगी सर, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, बताइए एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है, स्पीड्स का एवरेज या कुछ और। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। हमको पता है यहां पर कि कार से इतना गए ट्रक से इतना गए, टोटल डिस्टेंस पता है हमको सर, बिल्कुल पता है 200 किलोमीटर गए हैं टोटल, टोटल टाइम कितना लग गया सर 16 घंटे लग गया। तो सर ये क्या है, 12.5 तो है ये, 100/8 तो है ये 12.5, तो यहाँ पर कितना समय लग गया सर अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर केस में, तो हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 12.5 12.5 यहाँ पर स्पीड आ गई सर इसकी, 12.5 किलोमीटर पर आ रही, ये तो बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते थे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करके। तो हमारे पास
ट्रक से गई हुई स्पीड आ गई है, दी गई है वैसे तो, कार से जो स्पीड रही वो भी हमें पता लग गई है, एवरेज स्पीड रही वो भी हमें पता लग गई है, तो सर सबट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ सबट्रैक्ट किया कितना आ गया सर, 7.5, यहाँ सबट्रैक्ट कर दिया सर कितना आ गया, 2.5, तो यहाँ पर ये रेशियो ये आ गया, और ये आपस में क्या है सर, 3:1 की रेशियो में है ना, 3:1 की रेशियो में है ये। अच्छा, अब सवाल सबसे बड़ा आता है जो आप अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, सर ये रेशियो किस चीज़ की आई है, डिस्टेंस की, कि मैं 200 किलोमीटर को डिवाइड कर दूं इसके अंदर, 200 किलोमीटर को यहाँ पर डिवाइड कर दूं 4 से, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ जाएगी, और ये 150 और 50 आ गया 150, और 50 आ गया सर, तो कार से कितना ट्रैवल हुआ, 150 किलोमीटर सर, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा, ऐसे होगा क्या, बताओ जरा किस चीज़ की रेशियो है ये रेशियो किस चीज़ की आई है, कौन बताएगा जल्दी से बताओ फटाफट से, ये रेशियो किस चीज़ की आई है जल्दी से बताओ फटाफट से। चलिए भाई, ये तो पता है गलती नहीं की आपने सर, जब आप स्पीड्स पर एलिगेशन लगाते हो, स्पीड्स पर एलिगेशन जब लगाई जाती है, स्पीड किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट होती है, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो स्पीड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट की जाती है, तो जब स्पीड पर एलिगेशन लगती है तो रेशियो टाइम की आती है सर, ये रेशियो टाइम की आती है, 3:1 जो रेशियो आई है टाइम की आई है, 3:1 रेशियो टाइम की आई है, टोटल टाइम है कितना सर, 16 घंटे, 16 घंटों को अगर 3:1 में ब्रेक करोगे तो 12 और 6 घंटे आ जाएंगे, 12 और 4 घंटे, 12 आवर्स एंड 4 आवर्स आ जाएंगे, अगर आप 12 घंटों को यहाँ ब्रेक करोगे, सॉरी 16 आवर्स को ब्रेक करोगे अगर आप 3:1 में, तो बहुत आसानी से आप कह सकते हो कि 12 घंटे आ गए और 4 घंटे आ गए, 12 घंटे हमने ट्रेवल किया कार पे एंड 4 घंटे हमने ट्रैवल किया ट्रक पे, सर कार पे स्पीड क्या, हमने कार की बताना है ना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कार की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाते हैं हम, और अगर हम 12 घंटे तक जा रहे हैं तो 120 किलोमीटर कवर होंगे या नहीं होंगे, ये तो बता दो फटाफट से कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं, बताओ फटाफट से बता दो, क्या ये सवाल सभी के दिमाग में बैठ रहे हैं अच्छे से, बहुत ही बढ़िया, अब आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा सेशन एंड हो चुका है यहीं पर, हमने जो सवाल आज के टारगेट में रखे हुए थे सब सॉल्व कर लिए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सीखने को मिला होगा, अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, चाहे वो आपकी तैयारी को लेकर हो, चाहे अनअकैडमी प्लस को लेकर हो, बताइए जल्दी से। तो यहां पर आपका जो रेगुलर शेड्यूल होना चाहिए आपकी तैयारी का, उस पर भी वीडियो बनाई हुई है मैंने कि आपकी 30 डेज का शेड्यूल होना चाहिए, और इससे जस्ट पहले हमने 3 से 4 सेशन ऑलरेडी कर लिए हैं, हम परसेंटेज को सेशन कर चुके हैं मॉर्निंग बैच में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो, ये जो 10 बजे क्लास हो रही है रोजाना, इसमें परसेंटेज का सेशन हो चुका है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन हो चुका है एक सुबह का, इसी में हमारा सेशन हो चुका है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, और साथ ही हमारा एक और सेशन भी हो चुका है जो जस्ट अभी हमने लिया है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, अब आगे अभी हम बचे हुए 2 दिनों में, जो इस हफ्ते के 2 दिन अभी बचे हुए हैं हमारे पास, उसमें हम 2 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, SICI पर बेस्ड एक सेशन, और एक सेशन लेने वाले हैं हम बोट एंड स्ट्रीम पर बेस्ड, तो जो भी स्टूडेंट हो इंटरेस्टेड वो टाइम से पहुंच जाना इन सेशन में, ये सुबह 10 बजे टाइम से होने लग जाते हैं, अगर आप टाइम पे आ जाओगे तो अटेंड कर लोगे, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो हमने डिस्कस किए, बाकी जो क्लास होगी कल होगी, और अभी स्टडी फाइड पर भी मैं एक सेशन लेने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो कोई इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकता है, थोड़ी देर बाद सेशन होगा, बहुत अच्छे अरिथमेटिक के सवाल सॉल्व करूंगा वहाँ पर मैं,
एंड इसके अलावा अभी आप में से कोई अगर अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब, देखो जो अभी हमारा बैच चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर वो कंप्लीट बैच चल रहा है जो शाम 4 बजे चल रहा है, 4:30 बजे कंप्लीट बैच चल रहा है, और आज से ही एक और बैच भी शुरू हो रहा है प्रलम लेवल DI पर, प्रलम लेवल DI पर बैच शुरू हो रहा है आज, ठीक है। तो कोई अगर अटेंड करना चाहे तो ये बैचेस अटेंड कर सकता है, बाकी सभी फैकल्टीज की भी कंप्लीट कंप्लीट क्लासेस चल रही हैं। आपको जो फीस है उसमें डिस्काउंट दिया जाता है एक रेफरल कोड से, वो ये है जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, आप फीस में डिस्काउंट ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो, ठीक है। आशीष अरोड़ा आपने लिख देना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी सेशन एंड करते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में, क्योंकि अभी एक और सेशन भी लेना है मैंने स्टडी फाइड पर, उसके लिए भी कंटेंट रेडी करना है मैंने। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, गुड बाय, टेक केयर।